आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। वैसे तो आप हमेशा से यहीं पे रही हैं, तो अचानक से किसी अजनबी देश में अपने परिवार को छोड़ के अब मैनेज कैसे करेंगे? हाँ, विदेश जाना तो मेरा सपना रहा है, और अपने सपने को हकीकत में कौन नहीं जीना चाहता। मैं तो वहाँ खुशी खुशी रह लूंगी जी। सपना, तो फिर ये बताइए कि फॉरेन के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? ओ जी, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ, और यहाँ से इतना दूर है कि कोई चाहकर भी ना आ सके। मैं तो वहाँ अपनी छोटी सी प्यारी सी दुनिया बसा लूंगी। ओह गॉड, एक्सक्यूज मी प्लीज। विदेश में सारी सुख सुविधाएं होती हैं, आजादी होती है, सबको एक नजर से देखा जाता है, जात पात धर्म लड़का लड़की इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अगर आपका इतराज न हो तो मेरा पुत्र आपकी बेटी गुंजन के साथ अकेले में बात कर सकता है? ना जी, सानू की इतराज होना है, क्यों नहीं। वैसे मैनू ना शहरों का ये रिवाज ना बड़ा ही पसंद है, बात करना तो जरूरी होता है ना, तभी तो जान लेंगे। जा गुंजन पुत्र। आइए प्लीज, आइए। अब अच्छे से आपको देख पा रहा हूं, सच में बहुत खूबसूरत हैं आप। ये वेरी ब्यूटीफुल। वाकई में आपकी मॉम ने सही कहा था, पूरे पंजाब में इतनी प्यारी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। सीरियसली, 10 प्रपोजल्स तो आपको दिन में आते होंगे। प्रपोजल? आई मीन रिश्ते, कुछ आपके शादी के लिए, कुछ अपने दिल का रिश्ता आपसे जोड़ने के लिए। कुछ लोग शायद ऐसे भी होंगे जो आपसे बात करने में हिम्मत नहीं कर पाते होंगे, बस चुप चुप के आप पे मरते होंगे। वैसे तो आप हमेशा से यहीं पे रही हैं, तो अचानक से किसी अजनबी देश में अपने परिवार को छोड़ के अब मैनेज कैसे करेंगे? हाँ, विदेश जाना तो मेरा सपना रहा है, और अपने सपने को हकीकत में कौन नहीं जीना चाहता। मैं तो वहाँ खुशी खुशी रह लूंगी जी। सपना, तो फिर ये बताइए कि फॉरेन के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? ओ जी, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहाँ, और यहाँ से इतना दूर है कि कोई चाहकर भी ना आ सके। मैं तो वहाँ अपनी छोटी सी प्यारी सी दुनिया बसा लूंगी। ओह गॉड, एक्सक्यूज मी प्लीज। विदेश में सारी सुख सुविधाएं होती हैं, आजादी होती है, सबको एक नजर से देखा जाता है, जात पात धर्म लड़का लड़की इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। विदेश में बड़ी सुविधाएं होती है, आजादी होती है, सबनों एक नजर से देखा जाता है,
जात पात धर्म लड़का लड़की के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता जी। वाह, लगता है इसके पहले आपने मजाक में रिप्लाई दिया था। आपको तो वाकई किसी और देश में जाकर उसे एक्सप्लोर करने में बहुत इंटरेस्ट है। तारीफ की बात तो ये है कि आप इन चीजों के बारे में इतना कुछ जानती हैं। हाँ तो किराना साहब, मैं ये कह रहा था कि बेटा जी करते क्या है वहाँ पे, मतलब कि वर्क वीजा पे हैं या वो रेजिडेंट वीजा पे गए? सरपंच जी सॉरी, चाय ठंडी हो गई है, हम बातों बातों में ध्यान। चाय पियो, चाय पियो। तो खुराना साहब, मेरा मतलब था कि बेटा जी का वहाँ पे काम क्या है, मतलब। सरपंच जी तुसी भी कमाल करते हो, अब विदेश में रहता तो कोई चंगा ही काम करता होगा ना, है ना जी? आपने तो ना सुबह से तैयारियों में इतने लगे पड़े, कुछ खाया भी नहीं है। सरपंच जी एक समोसा तो खा लो। नहीं एक लो जी, आगे दोनों। कुड़ी पसंद आ गई है, इसने हाँ कर दी। कर पट्टू निकाल आया भाई। गुंजन आ जा बैठ जा, आ जा। अब देखिए, हमारा पुत्र राजी हो गया तो अब हमें किसी बात की देर नहीं करनी चाहिए। वैसे भी वक्त हमारे पास कमी है, हमारे बेटे को अगले हफ्ते कनाडा वापस जाना है, इसलिए शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और फिर आप लोगों को पता ही होगा कि शादी के बिना गुंजन के वीजा की कार्रवाई हम कर नहीं सकते। अब वैसे भी वीजा अप्रूव होने में टाइम तो लग ही जाता है, इसलिए मैंने ये सोचा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली में बड़े तुम ताम के साथ इन दोनों का ब्याह करा दिया जाए। और रोका रोका कल कर लेंगे, क्योंकि हमारा बेटा जगजीत कल परसों में दिल्ली जा रहा है किसी वीजा के कम वास्ते। अभी कोई गल नहीं है जी। हाँ हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ी खुशी की गल है जी। चट मंगनी तो पट ब्याह, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। लेकिन खुराना साहब एक हफ्ता, मेरा मतलब है जी बहुत कम टाइम है, सारी तैयारियां कैसे होनी है जी? तो आप बिल्कुल फिक्र ना करो बलवंत जी, फिर हम हैं ना, रिश्ते जुड़ रहे हैं तो निभाएंगे भी। तो अब इस खुशी के बाद पर गले तो मिल लो। चा छो जी तुम यार, सब चंगा। तानू बहुत बहुत बधाई हो जी। बहन जी तानू भी बढ़िया बढ़िया मुबारकबाद जी। रणवीर मेरे नाल आ। ओही बधाई दी मैनू। तैनू बहुत बहुत बधाई गुंजन। तैनू भी, आज तो तूने मेरी जान ही बचा दी, और नहीं हाँ तो मेरी लस्सी हो जानी थी। अगर तू सही वक्त पर नहीं बचाता ना तो ए मुंडे को लगता कि मैं बुद्धू हूँ।
और रिश्ते वास्ते भी शायद मैंने मना कर देता। और फिर वही खिलौने वाला हवाई जहाज लेकर मैंने दिन काटने पड़ते। वैसे तू क्या कर रहा था बाहर? मैंने तेनु देखा ना कि तू बाहर जा रही है अकेले, तो मैंने लगा कि शायद तेनु कोई मदद की जरूरत हो, इसलिए मैं बाहर आ गया। हाय, ये हुआ ना दोस्ती निभाना। खुश तो है ना? खुश? रणबीर जिस लड़की का इतना बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है, वो खुश नहीं होगी कि? आज ही ना शुभ दिन है, मेरा जन्मदिन, लोहड़ी का दिन, आज मैं बहुत खुश हूँ। और तू तो जानता है ना कि मैंने यहाँ से इतने साल से निकलना था, और वो सब हो रहा है, खुशी से पागल हो रही हूँ। तू बता ना, तू खुश है ना मेरे लिए? गुंजन, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं तो तेनू बता भी नहीं सकता कि तेरे अंदर चल की रहा है। बहुत खुश हूँ मैं गुंजन। जी तुसी रोक के कहना, बिल्कुल फिक्र ना करो, सारे इंतजाम हो जाने। एक मिनट, मेरी तरफ से अभी तक पूरी तरह हाँ नहीं हुई है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मामला मेरी बेटी के ब्याह का है। मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता। पहले मैं इस रिश्ते के बारे में गुंजन के मुंह से हां सुनूंगा, फिर ही कोई फैसला लूंगा। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पूरी तरीके से सोच समझ के जो ठीक फैसला होगा उसके बारे में आपको फोन कर दूंगा। देखिए बलवंत जी, आप लड़की के पियो हैं, मैं आपकी चिंता को समझ सकता हूं। अब हमारे बेटे का कनाडा वापस जाना हम टाल तो नहीं सकते ना, इसीलिए हम आपसे विनती कर रहे थे कि शादी एक हफ्ते के अंदर हो जाए। देखिए बलवंत जी, हमारे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद कर लिया है, फिर देरी क्यों? आप भी तो हमारी बात समझिए ना। राणा साहब, मैं आपकी गल को पूरी तरीके से समझता हूं, लेकिन यहां सवाल मेरी बच्ची की जिंदगी का है। मैं आपको फोन करता हूं। ठीक, जैसे आपकी मर्जी, मेरा नंबर तो आपके पास है ही, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। आज्ञा दीजिए। सत श्री अकाल जी। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहां आए। बने बनाए रिश्ते को मना करने की, सीधे सीधा हाँ नहीं कर सकते थे? अकेले जी, मुझे गुंजन से पूछना है। क्या पूछना आपको गुंजन से है? बाप हो ना आप उसके, अपनी बेटी का सपना नहीं पता आपको? अरे वो कौन सा मना करने वाली थी? पापा जी, आपने मना कर दिया? क्यों? मैंने तो पहले ही इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी, और अभी अचानक से क्या? बस! बस, चुप करो तुम दोनों मां बेटी। बाप हूं मैं इसका,
इसलिए बहुत सोच समझ के जो भी इसकी भलाई वास्ते होगा वही फैसला लूंगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में। कुछ देर के लिए मैंनू कल्ला छड़ दो। रणवीर मेरे नाल आ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।